वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज डेट हो गई 16th of May 22। बट आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम फंडामेंटल चैप्टर का, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम बन नहीं सकता। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब जरा आप आराम से समझेंगे, आप बिल्कुल नोटिंग नहीं करेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको याद है 11th क्लास में एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? बेटा पहले ये बताइए, क्या याद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कुछ ऐसा होता था, यस, कुछ गलतियां होती थी, एरर होते थे बेटा, कुछ एरर होते थे और आप उनको रेक्टिफाई करते थे, सुधारते थे। इट मीन्स गलतियों को आप क्या करते थे, सुधारते थे। क्या गलती 11th में ही हो सकती है, 12th में नहीं हो सकती गलती? यस, गलती 12th में हो सकती है, और अगर गलती हो जाती है 12th में तो उसको बोला जाता है पास्ट। पास्ट का मतलब एरर, पास्ट में क्या हुए हैं, एरर हुए हैं, और अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट का मतलब इन एरर को रेक्टिफाई करना है। तो जैसे 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता था, 12th में क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स। एरर्स को क्या करना है, एडजस्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी है बाय कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको रेक्टिफाई करना है, बस कहानी खत्म। और अगर आप मुझे ये बता दें, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ये होती है, क्रेडिट साइड ये होती है, बेटा माइनस वाली साइड कौन सी होती है? अगर आप मुझे बस इतना बता दें, कैपिटल अकाउंट में माइनस साइड कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। डेबिट साइड होती है माइनस और क्रेडिट साइड होती है प्लस। तो जितनी भी गलतियां हैं, उन गलतियों को आप कैसे सुधारेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू सुधारेंगे। तो सारी एडजस्टमेंट्स कहां करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत बेसिक चीज है। पहले आप मेरे मेथड से चलेंगे, फिर मैं आपके स्कूल के मेथड पर आऊंगा। तो डोंट कंफ्यूज कि आपके स्कूल में कुछ और करा रखा है। पहले मेरे मेथड से एक बात बताओ, ये हम बना रहे हैं इनकरेक्ट, ये है इनकरेक्ट और यहां मैंने लिखा करेक्ट। बेटा गलती से एक पार्टनर है जिसका नाम है ए, मैंने गलती से इस पार्टनर को 100 रुपए दे दिए। गलती से मैंने इस पार्टनर को 100 रुपए दे दिए, करेक्ट। करेक्ट पोजीशन ये थी, मुझे इसको देने थे सिर्फ 10 रुपए। बेटा गलती समझें, देने थे 10 रुपए, गलती से दे दिए 100 रुपए। अब आप मुझे बताओ, ये गलती है, मैं इसको कैसे एडजस्ट करूं, मैं कैसे सही करूं, क्या करूं जो अपने आप 10 रुपए बन जाए, ये बताइए मैं क्या करूं। मैंने गलती से 100 रुपए दे दिए, देने थे 10 रुपए, इसका मतलब मैंने इसको 90 रुपीज ज्यादा दे दिए। वेरी गुड निधि समीक्षा, बेटा बच्चों को समझ आ गया। बेटा इसका मतलब मैंने इसको ए को 90 रुपीज ज्यादा दे दिए, और अगर मैंने इसको ज्यादा दे दिए तो मैं इससे 90 रुपीज वापिस ले लूंगा। बेटा वापिस लेने का मतलब होता है माइनस, मैं उसके अकाउंट में से 90 रुपीज कट कर लूंगा, और माइनस को हम अकाउंट में क्या कहते हैं, अकाउंट्स में कहते हैं डेबिट। ईशा को समझ आ गया, अदिति वेरी गुड। तो 90 रुपीज बस डेबिट कर दूंगा, कहानी खत्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये लो एक दूसरा पार्टनर है बी। बी की अगर मैं आपको करेक्ट पोजीशन बताऊं,
मुझे इसको 40 रुपए देने थे, बेटा ये करेक्ट पोजीशन है, 40 रुपए देने थे, मैंने गलती से इसको सिर्फ 38 रुपीज दिए। अब आपने फोकस करना है गलती पर, देने थे 40, 38 तो दे दिए, क्या करूं बेटा, क्या करूं जिससे 40 हो जाए, 38 दे चुका हूं, इसका मतलब 2 रुपए और दे दो। बच्चे कह रहे हैं सर 2 रुपए और दे दो, और प्लस का मतलब होता है आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। वेरी गुड अश्मित, तो बस ये ही करना है आपको, आपको बस कंपैरिजन करना है, समझना है, प्लस माइनस की कहानी समझेंगे। लो फिर एक चीज, एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो। बेटा ये पार्टनर है सी, इससे मुझे 70 रुपीज लेने हैं, माइनस मुझे इससे 70 रुपीज लेने हैं, करेक्ट पोजीशन। गलती पता है क्या हुई बेटा, मुझे 70 रुपीज लेने थे, गलती से मैंने 70 रुपीज दे दिए। अब आप बताओ मैं ऐसा क्या करूं इस गलती को सुधारने के लिए, 70 लेने थे, मैंने उल्टा 70 दे दिए, बेटा क्या करूं, सोचो आप। मैं 140 रुपये, 140 रुपये क्या करूंगा, प्लस या माइनस? ईशा का आंसर परफेक्ट, बेटा मैं 140 रुपये उसके अकाउंट में से काट लूंगा। वेरी गुड समीक्षा सौम्या अदिति, वेरी गुड। मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा मैं अपने आप। तो बस ये क्रेडिट डेबिट का खेल कहाँ चलता है, कैपिटल अकाउंट में। तो आपके दिमाग में बस कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, कहानी खत्म। ये लो मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, समझना मेरे साथ साथ जल्दी से। ये है एक आपके सामने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या है, ये दोस्तों गलत है, IC का मतलब ये गलत है, ये गलत बना रखा है मैंने अकाउंट। और फिर मैं आपके सामने दोबारा से बनाता हूं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मगर ये कौन सा है, ये करेक्ट है, सी का मतलब करेक्ट है, ध्यान से देखना आप जरा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 100 रुपये, हमने पार्टनर को IOC दी, एक है एक्स दूसरा है वाई, इसको IOC, मैं आपको यहां भी बताता हूं, ये है करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 100 रुपये, और आपको IOC देनी थी, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इसको देनी थी 10 रुपये, इसको देनी थी 40 रुपये। बेटा ये गलती है, एक्स को 10 रुपये और वाई को 40 रुपये, ये IOC देनी थी, बट यहां पर आप IOC देना भूल गए। बेटा गलती समझें, आपने एक्स को नहीं दी, वाई को दे दी, गलती क्या करी, गलती पर फोकस करेंगे आप सारे बच्चे, गलती क्या करी, एक्स को देने थे 10 रुपये और आपने नहीं दिए, वाई को दे दिए 40 रुपये। गलती अगर आप बच्चों को समझ आ गई है तो आप मुझे बताओ, एक्स को 10 रुपये मिलने चाहिए थे, बेटा IOC मिलती है, IOC मिलने का मतलब है ये पैसा उसको मिलेगा, 10 रुपये मिलने चाहिए थे और आपने उसको 10 रुपये नहीं दिए, मैं क्या करूं बताओ मुझे, मैं क्या करूं, मैं एक्स को 10 रुपये प्लस करूं या माइनस, सोच के बताओ। बेटा 10 रुपये मिलने चाहिए थे, कुछ नहीं मिला, अब आपको उल्टा देना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगी सिचुएशन। तो आपको एक्स को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स को 10 रुपये देने पड़ेंगे, क्रेडिट करना पड़ेगा एक्स को, कितने रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा, 10 रुपये से। अब सर एक्स को तो आपने क्रेडिट कर दिया, अगर मैं एक्स को क्रेडिट करूंगा तो मुझे ये बताइए, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो एक्स तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, बेटा जल्दी से बताओ डेबिट क्या होगा,
अब आप सब बच्चे पुराना याद करो, पुराना आप बोलते थे सस्पेंस अकाउंट, ऐसी बातें आप करते थे, यस समीक्षा। क्रेडिट हो गया, डेबिट कैसे करूंगा, तो आप बच्चे कह रहे हैं सस्पेंस, और मुझे आपको यही सिखाना था बेटा, ट्वेल्थ क्लास में सस्पेंस नहीं होता, वो 11th क्लास की कहानियां थी कि सर हमें नहीं समझ आता था तो हम सस्पेंस में डालते थे। एक बात तो दिल में दिमाग में बिठा लो कि 12th क्लास में सस्पेंस नहीं होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे सस्पेंस नहीं होगा, ये हमेशा मेरी बात याद रखना। तो ये करेक्ट पोजीशन थी, 10 रुपए 40 रुपए देना था, गलती क्या करी, एक्स को नहीं दिया वाई को दे दिया, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट है, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं सस्पेंस नहीं आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट बेटा इक्वल रेशो थी, इक्वल रेशो थी, जरा देखें डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले यहां देखते हैं, 100 रुपए में से 50 गए, 25 इसे मिलेगा, 25 इसे मिलेगा, हो गए पूरे 100 रुपए, डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया। यहां देखें जरा, यहां भी कितना था, 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 40 गए तो बचे 60 रुपए, 30 रुपए यहां पर, 30 रुपए यहां पर, ये है कहानी। अब आप आराम से देखना मेरे साथ साथ, ये करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है, और ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। आपने कंपैरिजन करना, बहुत ध्यान से देखेंगे, सिर्फ चेक करो एक्स को कितना पैसा मिलना चाहिए, सिर्फ एक्स को देखना, एक्स को 10 रुपए मिलना चाहिए और प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 25 रुपए, कुल मिलाकर एक्स को कितना पैसा मिलना चाहिए, 35 रुपीज। अब बताओ गलती से एक्स को कितना मिला, 0, और यहां कितना मिला, 30, यानी गलती से एक्स को मिला 30 रुपए, मिलना चाहिए था 35, मिला है सिर्फ 30 रुपए, क्या करूं बेटा बताओ, ये सब गलत हो गया, बताइए जरा, 35 मिलना चाहिए था, मिला है सिर्फ 30 रुपए, मिलना चाहिए था 35, क्या करूं। बच्चे कह रहे हैं सर 5 रुपए इसको और दे दो। बेटा 5 रुपए और देने का मतलब पता है क्या है, मैं एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या करूंगा, क्रेडिट, कितने रुपए और दूंगा, 5 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ आई है कंपैरिजन, बेटा बताइए मुझे जल्दी से, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ आई है, बोलो यस और नो। एक बार और कोशिश करते हैं, अभी आपको मैं और डिटेल में लेके चलूंगा। अब वाई पर देखो, वाई को 40 रुपए ये मिलने थे और 25 रुपए ये, वाई को पता है कितने मिलने थे, 65 रुपीज मिलने चाहिए। यहां देखें वाई को कितने मिले, 40 और 30, बेटा वाई को गलती से मिल गए 70 रुपए, 70 रुपीज, लगाओ दिमाग, मिलने थे 65, मिल गए 70, आप इतना बताओ ज्यादा मिले हैं या कम मिले हैं, बेटा बस इतना बताएंगे चैट बॉक्स में, 65 की जगह 70 मिल गए, ज्यादा मिले हैं या कम मिले हैं, बताइए ज्यादा मिले हैं, कितने ज्यादा मिले हैं, 5 रुपए। अब 5 रुपए ज्यादा मिले हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, डेबिट का मतलब होता है माइनस, कितना माइनस कर दूंगा, 5, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। बेटा सस्पेंस नहीं आएगा जी, और अगर ऐसे देखोगे तो आंसर आ रहा था 10 रुपए, ये भी गलत हो गया, मुझे आपको यही प्रूफ करना था, आपको कंपैरिजन करना है आराम से, नरेशन में लिखोगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड, Being error rectified। बेटा मुझे ये बताइए क्या ये टॉपिक छोटा सा एग्जाम्पल समझ आया है आप बच्चों को, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, मैं और टेक्निकल चलना चाहता हूं।
फटाफट रिप्लाई करेंगे। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं। आप बस बच्चों क्या करना, आप मुझे एरर ढूंढ के बता देना, अगर आप एरर गलती ढूंढ दोगे मैं उसको रेक्टिफाई कर, बस खत्म कहानी। आपने गलती ढूंढनी है और मैं आपको एरर रेक्टिफाई करूंगा। बेटा सीबीएसई कहता है, सीबीएसई की गाइडलाइंस कहती हैं मैक्सिमम 3 मिस्टेक आएंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 गलतियां होंगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। मैं आपको थोड़ा हायर लेवल पे ले जाऊंगा, मैं आपको 5 गलतियों तक ले जाऊंगा, बस 5 गलतियां। आपको तो पेपर में 3 गलतियां आनी है, मैं 5 गलतियों तक ले जाऊंगा आपको, बस मैक्सिमम लेवल। फिर मैं आऊंगा आपके स्कूल के मेथड पर। अब मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था बेटा, वो असाइनमेंट निकालें, ये थर्ड असाइनमेंट है हमारा। जी बेटा थर्ड असाइनमेंट निकालेंगे और इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं टॉपिक नंबर 7। मैंने कुछ बच्चों को बेटा ये पीडीएफ फाइल भी भेजी थी और हार्ड कॉपी भी दी है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, जो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उनमें कैसे हम गलती सुधारेंगे। अब जरा देखो एरर, इसमें एरर क्या है, सिर्फ आईओसी की एरर है, एक गलती है। मैंने आपको कहा था मैक्सिमम 3 गलतियां आएंगी, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक गलती है। यहां देखते हैं, यहां पे जो एरर है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में है, दूसरी गलती। यहां पे सिर्फ एक ही गलती है इन क्वेश्चंस। और आगे चलते हैं बेटा, यहां पे देखो, यहां पे जो एरर है वो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती है, सैलरी में भी गलती है, कमीशन में भी गलती है, 4 मिस्टेक है। सीबीएसई में कितनी आएंगी, सिर्फ 3 मिस्टेक, यहाँ 4 मिस्टेक है। और हम करेंगे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पहले देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या क्या है, आईओडी में मिस्टेक है, आईओसी में मिस्टेक है, सैलरी में मिस्टेक है, कमीशन में मिस्टेक है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी मिस्टेक है। बेटा बताओ जल्दी से कितनी गलतियां हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 गलतियां हैं, बताइए जल्दी से मुझे। वेरी गुड बेटा, 5 मिस्टेक्स हैं, तो मैक्सिमम ये वाला लेवल है। पेपर में सिर्फ 3 मिस्टेक्स आएंगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं, आओ जरा मेरे साथ। सबसे पहले पढ़ते हैं नीचे, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2,34,000। बेटा ये प्रॉफिट दे रखे हैं, आपको जर्नल एंट्री करनी है एडजस्टमेंट की, यानी गलती को सुधारने की एंट्री करनी है। चलिए अब जरा पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं और आप बच्चे मुझे बताएंगे कि सर गलती हुई क्या, मैं रेक्टिफाई करूंगा और आप बताएंगे गलती क्या हुई। पहले आप आराम से रीड करो बेटा, पहले आपकी बारी, टेक योर टाइम, रीड केयरफुली। आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, कोशिश करेंगे अपनी मिस्टेक ढूंढने की, गलती हुई क्या है। चलिए अब मेरी बारी आ गई बेटा गलती से, हाँ आराम से समझेंगे। 3 पार्टनर्स थे पी क्यू आर, हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर इट वॉज फाउंड,
ये पता लगा दैट अंडर मेंशन ट्रांजेक्शंस, अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन का मतलब नीचे दी गई हुई ट्रांजेक्शंस, चार ट्रांजेक्शंस हैं एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। बेटा ये डीड में लिखी हुई थी, ये चारों ट्रांजेक्शंस डीड में लिखी थी और डीड की बात तो आपको माननी पड़ेगी। बट हुआ क्या, वर बेटा कुछ बच्चों को गलती मिल गई थी, वर नॉट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी आप चारों ट्रांजेक्शन भूल गए बेटा, चारों की चारों गलती हो गई। पढ़े क्या क्या था, इंटरेस्ट देना चाहिए था 10% पर एनम और पार्टनर्स की कैपिटल है 60,000, 40,000, 50,000। एक बार मुझे यहां बताओ, पार्टनर्स पी क्यू आर इनकी कैपिटल क्या है? बेटा कैपिटल कितनी कितनी है, 60,000 और कितनी है, 40,000 और 50,000। मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे कैपिटल रेशो बता सकते हो? बेटा बताओ कैपिटल की रेशो क्या हुई, जल्दी से लगाओ दिमाग। कैपिटल की रेशो हुई 6:4:5, ये हो गई कैपिटल रेशो। इंटरेस्ट देना था 10%, इन सबके ऊपर क्या दोगे, इंटरेस्ट 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दे रखी, 1,000, 1,000, 2,000। सैलरी मिलेगी 6,000 क्यू को, कमीशन मिलेगा 7,000 आर को, और दोस्तों प्रॉफिट, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कह रहे हैं प्रॉफिट इस रेशियो में बांटना है। आप चेक करो सबसे ऊपर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। बेटा ध्यान से चेक करिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है, 2:1:1। ये गलत है क्योंकि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, प्रॉफिट आप किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल। ये सही रेशियो है, ये पीएसआर गलत है। क्या आपको ये लैंग्वेज समझ आई है? बेटा बोलो फटाफट, मैं अब आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं ध्यान से। मेरे साथ साथ आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 पहला क्वेश्चन है, आप बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी मैं आऊंगा आपके बुक वाले तरीके पे, आपके स्कूल वाले तरीके पर। ये है इनकरेक्ट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इनकरेक्ट। ये देखो, बताओ मुझे नेट प्रॉफिट कितना था। बेटा नेट प्रॉफिट कितना दिखा था, 2,34,000, ये था नेट प्रॉफिट। दोबारा से देख लो, ये रहा क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट था 2,34,000। फिर क्या हुआ, गलती क्या हुई, क्या आपने आईओसी दिया, नहीं। क्या आपने सैलरी दी, नहीं। क्या आपने कमीशन दिया, नहीं। क्या आपने आईओडी लिया, चार्ज करा, नहीं। और सीधा का सीधा जो बच जाता है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांट दिया पी क्यू आर, और वो भी पता है किस रेशो में बांट दिया, 2:1:1। बेटा ये बताओ क्या ये रेशो सही है गलत है, आप सब बच्चे मुझे ये बताइए, क्या ये रेशो सही है गलत है। ये भी गलत रेशो है, मगर ये पूरा अकाउंट गलत है, ये गलती से भरा हुआ है। जरा देखें, रॉन्ग, वेरी गुड सोम्या, जरा देखें एक बारी, 2:34 को बांट के देखते हैं। गलतियां देखो, 1, 2, 3, 4, 5 गलतियां। बेटा बांटो जरा, 2:1:1 में बांटो जल्दी से, हम देखते हैं। 1,58,500, ये देखो ये हमारा गलत है, गलती से इतना इतना पैसा मिल गया। अब मैं बनाता हूं दोबारा से, बढ़िया सा बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
बट अब कौन सा बनाऊंगा बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ये लो। अब चलते हैं बिल्कुल सही अकाउंट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 2,34,000। चलिए अब एक एक करके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देना था IOC, PQR, ये रहा क्वेश्चन। कितना इंटरेस्ट है? 10%, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000, 4,000, 5,000। फिर देंगे सैलरी, सैलरी और साथ में क्या था, कमीशन, एक साथ दे देते हैं। देखें जरा क्या क्या है। सैलरी मिलेगी क्यू को और कमीशन मिलेगा आर को। मैं लिख देता हूं क्यू और आर, सैलरी मिलेगी क्यू को और कमीशन मिलेगा आर को। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, PQR, पार्टनर से लेंगे, बेटा ये लेंगे। कितना कितना था? 1,000, 1,000, 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1,000, 1,000 और 2,000। ये मैं बिल्कुल करेक्ट बना रहा हूं और आपको मेरे सामने समझना है। टोटल प्रॉफिट आया 2,38,000, 2,38,000। और अब जरा देखें हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट तीनों में बांट देंगे PQR में। जल्दी से बताओ किस रेशो में बांटेंगे? बेटा मैं करेक्ट बना रहा हूं, डीड में क्या लिखा था? डीड में लिखा था प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। इस रेशो में बांटोगे, यानी 6:4:5, इस रेशो में बांटेंगे। जरा देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। टू, वेरी गुड सोम्या, 238 में से, 2,38,000 में से इन सब को माइनस करो, डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 2,10,000। बेटा ये आ रहा है 2,10,000 और इसको अगर हम रेशो में बांटते हैं तो ये आ रहा है 84,000, 56,000 और ये आ रहा है 70,000। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है? अब आप बहुत ध्यान से मेरे साथ समझेंगे। बेटा याद रखना, आपके दिमाग में कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। ये वाली साइड होती है माइनस, ये वाली साइड होती है प्लस, कैपिटल अकाउंट। मुझे इतना बताओ आईओसी, बेटा आईओसी कैपिटल अकाउंट में आईओसी प्लस होगी या माइनस? सोचो आप, अगर हम पार्टनर्स को आईओसी देंगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी प्लस। वेरी गुड निधि। सोचो हम सैलरी देंगे तो सैलरी भी क्या होगी? प्लस। अगर हम प्रॉफिट देंगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा? प्लस। ये सब मिल रहा है। और ये बताओ आईओडी, बेटा ड्राइंग्स के बारे में बताओ, आईओडी प्लस होगी या माइनस? सोच के बताओ। ये हम उसके अकाउंट से पैसा निकालते हैं माइनस। वेरी गुड अश्विनी। एक बार जरा आराम से कंपैरिजन करो और मुझे ये बताइए, बेटा आराम से मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ पी को देखूं, सिर्फ पी को, कहीं और नहीं देखना, सिर्फ पी पर ध्यान देना है आपको। पी को 6,000, ये 84, ये 90 में से 1,000, पता है पी को कितना मिलना चाहिए? करेक्ट पोजीशन 89 है बेटा, करेक्ट पोजीशन 89 है। वेरी गुड। और आप देखो गलती से, बेटा गलती से देखो, ये गलत है, गलती से आपने कितना दे दिया? बताओ जल्दी से, कंपैरिजन करना है आपको यहां से यहां पे। देना था 89, आपने दे दिया गलती से 1,17,000। आपको पता है आपने कितना पैसा ज्यादा दे दिया? बेटा बताओ कितना पैसा ज्यादा दे दिया? बच्चे कह रहे हैं सर 28,000 ज्यादा दे दिया। वेरी गुड ईशा। और अगर ज्यादा दे दिया
तो पी के अकाउंट में से हम कम करेंगे। कम कैसे करते हैं बेटा? ज्यादा दे दिया तो वापस लेंगे। वापस लेने का तरीका अकाउंट्स में होता है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है आप उसके अकाउंट से पैसा कट करोगे। वेरी गुड, एक बार और ट्राई करते हैं सर। अब सिर्फ क्यू पर ध्यान देना, सिर्फ क्यू पर। क्यू को मिलेंगे 4,000, एक बार और ट्राई करेंगे। क्यू को मिलेगी सैलरी 4 और 6 10,000, 10,000, और क्यू को मिलेगा प्रॉफिट 66। 66 में से 1,000 रुपये कट कर लेंगे। पता है क्यू को एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए? क्यू को मिलना चाहिए 65। ये करेक्ट है। और अब बताओ गलती से बेटा, गलती से कितना दिया है? 58। देना था 65, दिया है सिर्फ 58। पहले बताओ कम दिया है या ज्यादा? बेटा ये बताओ, गलती से कम दिया है या ज्यादा दिया है? फटाफट बताओ, कम दिया है या ज्यादा? बच्चे कह रहे हैं सर कम दिया है। बेटा कम दिया है तो और दे दो। कितना कम दिया है? 6,500 कम दिया है तो और दे दो। और देने का मतलब होता है क्रेडिट कर दो। क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ऐसे ही कंपैरिजन करना है आपने आर का। मैं आर का सीधा आंसर लिख देता हूं। आर का आंसर आने वाला है 21,500। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, खत्म कहानी। तो बेटा ऐसे कंपैरिजन करना है सबको आपस में। क्या आप मुझे बता सकते हो, केस स्टडी अगर आती है, केस स्टडी आती है, ये अकाउंटेंट बेटा, अकाउंटेंट ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रखी, इसे मिस्टेक नहीं कहेंगे, ब्लंडर है। पांच पांच गलतियां। बेटा ये बताओ, इस अकाउंटेंट को किस पार्टनर ने पैसे खिलाए थे? केस स्टडी का आंसर दें। इस पार्टनर को, इस अकाउंटेंट को, बेटा अकाउंटेंट को किसने पैसे खिलाए हैं गलती करने के, बताइए। ईशा का आंसर आ गया, समीक्षा का, निधि का, सौम्या का, अदिति का। बेटा रिया फटाफट पार्टिसिपेट करो। वेरी गुड एवरीवन। बेटा अभी तक सब बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको पैसे किसने खिलाए हैं? सो आंसर इज पी। पी ने खिलाए हैं, बिकॉज पी को मिलना था 89, और इस गलती की वजह से पी को पता है कितना पैसा फालतू मिला? बेटा पी को 28,000 रुपये ज्यादा मिले। तो गलती पैसा किसने खिलाया होगा? पी ने। और ये गलती पकड़ी गई, इसलिए अब हम पी से पैसा वापस लेंगे। तो ये आपको मेरी बात समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स? मैं अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, डोंट वरी। पहले ये बताइए, इसमें कोई डाउट? चलिए, नो डाउट्स, नो डाउट अश्मित। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको, ये होमवर्क है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। इससे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। इस क्वेश्चन में लिखा है, लास्ट में लिखा है, एज्यूमिंग कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बेटा कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है, इसका मतलब आप सारी की सारी एंट्री पता है किस अकाउंट के थ्रू करते हैं? करंट अकाउंट। तो याद रखना, सारी एंट्री किस अकाउंट के थ्रू होंगी? करंट अकाउंट। जैसे अभी लिखा था पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब आप लिखेंगे पीस करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट, आर करंट अकाउंट। ये दिक्कत है, तो मैंने इसका आंसर दे दिया आपको, करंट अकाउंट। दूसरी बात, यहां पे सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है, सारी ट्रांजेक्शन वही दे रखी है इसके अंदर। एक बार आप पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या मिसिंग है। बेटा टेक योर टाइम, रीड योर सेल्फ, और मुझे बताओ सर इसमें ऐसा क्या अलग है। बताइए जरा। वेरी
बेटा क्या अलग है? इस क्वेश्चन में बाकी सारी कहानी सेम है, तीन पार्टनर हैं, वेरी गुड समीक्षा। रेशो भी दे रखी है, नीचे लिखा है अंडर मेंशन ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास, यानी नीचे की ट्रांजेक्शंस अभी तक पास नहीं करी हैं, भूल गए हैं। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर भी पहले वाले में भी सोम्या कैलेंडर ईयर ही था, नया क्या है? बेटा नया ये है, इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट नहीं गिवन। बेटा बात को समझे, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं गिवन। जैसे यहां गिवन था नेट प्रॉफिट 2,34,000, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं गिवन। अब मैं आपको बताता हूं आसान तरीका। अगर नेट प्रॉफिट नहीं गिवन तो मैं आपको अभी एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, बट आप एक बार मेरे तरीके से लॉन्ग कट करेंगे इसको होमवर्क में। और आप सब बच्चे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आप जो मन करे, जो आपके दिल को अच्छा लगे, बेटा वो वाला नेट प्रॉफिट ले लेना। जैसे एक बच्चा ले लेगा 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट, एक स्टूडेंट ले लेना 2,00,000, एक ले लेना 3,00,000, जो दिल को अच्छा लगे वो वाला प्रॉफिट लो और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। और आप चेक करना, सारे बच्चों का आंसर सेम ही आएगा। बेटा ये मैजिक है, अकाउंट्स का मैजिक। अगर नेट प्रॉफिट नहीं गिवन, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इस मैजिक को आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे। और मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ भी मानो नेट प्रॉफिट, बताइए इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो फटाफट, फटाफट बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है आप सब बच्चों को? यस बेटा, अपने आप मानना कुछ भी, और बाद में देखेंगे क्या मैजिक हमारा प्रूव हुआ, यस और नो, वो हम बाद में चेक करेंगे। आप सबके आंसर्स एक जैसे ही निकलेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। आओ मैं अब आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर से गलती ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा गलती की बारी आ गई, आप बस गलती ढूंढेंगे और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। टी एंड डब्ल्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। देयर कैपिटल्स ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी से साफ पता लगता है ये कौन सी कैपिटल है। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग ही चाहिए बेटा, ओपनिंग ही चाहिए होती है, ओपनिंग दे रखी है। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स इट वॉज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया? IOC वॉज रॉन्गली प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आप बस बच्चे मुझे ये बताइए, ये जो 12% है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बेटा ये आप बताएं, इंग्लिश पढ़ो और मुझे बताओ 12% क्या है। वेरी गुड बेटा, 12% है करेक्ट, देना था 12%। और गलती से बेटा, गलती से पता है क्या दे दिया, 10%, यानी ये है इनकरेक्ट। आपको सिर्फ गलती ढूंढनी थी। वेरी गुड ईशा, मैं अगर आपसे हिंदी में बात करूं, देने थे किसी को 12 रुपए, ये देखो मैं जरा आपसे हिंदी में बात करता हूं, किसी को देने थे 12 रुपए, गलती से दे दिए 10 रुपए। बेटा गलती से 10 रुपए दे दिए, क्या करूं अब, क्या करूं जो बराबर हो जाए? देने थे 12 रुपए, गलती से दे दिए 10 रुपए, दे दिए तो 2 रुपए क्या करूं बेटा, 2 रुपए प्लस करूं या माइनस? वेरी गुड, 2 रुपए और दे दूंगा, खत्म कहानी। तो ये अगर आपको मेरी बात समझ आ गई, 2 रुपए और दे दूंगा। और इस क्वेश्चन में सर प्रॉफिट नहीं गिवन, ध्यान से देखो प्रॉफिट नहीं गिवन। और यहां पे मैं शॉर्टकट लगाऊंगा,
और शायद आपके स्कूल्स के अंदर यही मेथड यूज किया जाता है, शॉर्टकट। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, और मैंने अभी भी बताया अगर प्रॉफिट नहीं दिया आप कुछ भी एज्यूम कर लो आंसर सेम आएगा। बट मैं चाहता हूँ एक आपको शॉर्टकट जो आपके स्कूल्स में यूज हो रहा है, शॉर्टकट तब लगाने का फायदा है व्हेन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन। अगर नहीं गिवन होगा तब शॉर्टकट लगाएंगे, और शॉर्टकट क्या है जरा पार्टनर्स के नाम देखते हैं। एक है टी, एक है डब्लू, एक है टोटल। आपके स्कूल में लिखवाया जाता है फर्म, बेटा आपके स्कूल में लिखवाया जाएगा फर्म। एक है टी, एक है डब्लू और एक है फर्म। जरा देखते हैं 2% और देना है, और देने का मतलब क्या मतलब होता है अकाउंट्स में? 2% और देने का मतलब क्रेडिट। बेटा 2% और देंगे मतलब क्रेडिट कर देंगे। जल्दी से देखें कैपिटल कितने कितनी है, 50,000, 40,000। बताओ 50,000 का 2% 1,000, 40,000 का 2% 800 रुपये, टोटल कितना हो गया 1,800। क्या आपको पहली लाइन समझ आई है? बेटा बताओ पास एडजस्टमेंट, क्या पहली लाइन क्लियर है, यस और नो? यस, तो 2% दे दिया। और मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट ये कहता है, वो कहता है यही प्रॉफिट है। बेटा शॉर्टकट यही कहना चाहता है कि फर्म का प्रॉफिट पता है क्या है, जिसको हम ढूंढ रहे थे प्रॉफिट नॉट गिवन, वो बोलते हैं यही 1,800 रुपये प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट है बेटा। प्रॉफिट रेशो कितनी थी, 2:1। वो कहते हैं यही प्रॉफिट है, इसको बांट दो 2:1 में। 2:1 में बांटूंगा तो ये आएगा 1,200 और 600। कहानी हो गई खत्म। छोटी सी बात आपको याद करानी है बेटा, बस छोटी सी बात याद कर लेना, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, बस छोटी सी बात। अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा, और अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा, बस रिवर्स करना है, कहानी खत्म। अब जल्दी से मुझे फटाफट बताओ, प्रॉफिट तो मैंने ढूंढ लिया, प्रॉफिट की रेशियो भी हो गई, इनमें से कौन सा अमाउंट बड़ा है? डेबिट साइड, बेटा डेबिट वाला साइड अमाउंट बड़ा है। कितने से बड़ा है? 200 से। यहां चेक करें, यहां पे ऊपर वाला क्रेडिट साइड वाला अमाउंट बड़ा है। कितने से बड़ा है? 200 से। आपके सामने शॉर्टकट से आंसर आ गया, टी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लो सर एंट्री हो गई, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। मैंने आपको एंट्री करके दिखा दी, मैंने आपको बस एक छोटी सी बात समझाई है जिसको आप बच्चों ने याद करना है, ये वाली चीज। बाकी तो सर बहुत आसान था, प्रॉफिट मैंने ढूंढ लिया। और अगर आपको प्रॉफिट कुछ और मानना है बेटा, आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो, और लॉन्ग कट लगाओगे आंसर सेम आएगा। पहले बताओ क्या ये मेरी बात समझ आई है, बोलिए जल्दी से यस और नो फटाफट। बेटा यस और नो, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक और एग्जाम्पल। ये शॉर्टकट आप कब लगाओगे? जब प्रॉफिट गिवन नहीं है। इसका मतलब जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों आप चाहो तो इसमें शॉर्टकट लगा सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा पहले इसमें लॉन्ग कट लगाना, और लॉन्ग कट में कुछ भी प्रॉफिट एज्यूम कर लेना, और फिर
आंसर तो सेम आएगा, फिर चाहो तो शॉर्टकट लगा के देख लेना क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो आप, ये एक और क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर हैं, सैलरी सैलरी देनी थी इसको 5,000, इसको देनी थी सैलरी 6,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूं, गलती क्या हुई, सैलरी देना भूल गए, ओमिटेड बेटा, सैलरी देना भूल गए। आपको पार्टनर्स को क्या करना था, आपको सैलरी देनी थी 5,000 6,000, गलती से आप सैलरी देना भूल गए, नेट प्रॉफिट नहीं गिवन। आप चाहें तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, जरा कोशिश करें एक बारी बेटा, नेट प्रॉफिट नहीं गिवन और हम एक बार दोबारा से शॉर्टकट लगा रहे हैं, और आप कोशिश करो मुझे, मेरे से पहले सैलरी नहीं दी, मैं आपसे कहता हूं अगर हम सैलरी दें बेटा, अगर मुझे सैलरी देनी पड़े तो मैं सैलरी को प्लस करूंगा या माइनस, बोलो जल्दी से, अगर मुझे सैलरी देनी पड़े तो मैं सैलरी को क्या करूंगा, प्लस करूंगा क्रेडिट करूंगा, मुझे देनी पड़ेगी सैलरी, मैं भूल चुका हूं, सैलरी पार्टनर को मिलती है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, और ये देखो प्रॉफिट आ गया दोस्तों, प्रॉफिट कितना निकल आया 11,000, प्रॉफिट की रेशो क्या थी 1:1। छोटा सा काम याद दिलाया था मैंने आपको, कहा था अगर ऊपर वाली चीज क्रेडिट है तो नीचे वाली चीज डेबिट, जरा बांटें, ये लो आ गया आंसर, बताओ कौन सी साइड बड़ी है, नीचे वाली साइड बड़ी है डेबिट साइड 500 रुपए से, यहाँ पे ऊपर वाली साइड बड़ी है क्रेडिट साइड 500 रुपए से, पता है एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 500 रुपए 500 रुपए। बताइए बेटा क्या ये बात समझ आई है आप सब बच्चों को, जल्दी जल्दी बोलो बेटा यस और नो, मुझे ये टॉपिक आज खत्म करना है। पास एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा टेक्निकल टॉपिक था और इसको हम खत्म करेंगे, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, रिया पार्टिसिपेट करें फटाफट, अदिति बोलो जल्दी से, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, एक और क्वेश्चन करते हैं हम अपने असाइनमेंट का, ये वाला क्वेश्चन हर साल बार बार पेपर में आता है बेटा, आपके यूनिट टेस्ट में तो कंफर्म है ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे असाइनमेंट का, क्यों सर इसमें ऐसा क्या है, मैं जरा आपको पहले दिखाता हूं, पहले तो देख लो इसमें क्या लिखा है, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अबव एरर, यानी पक्का सर गलती है एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है और आप सब बच्चों को पता होगा बैलेंस शीट दोस्तों ओपनिंग में बनाते हैं या क्लोजिंग में, नीचे डेट भी दी हुई है बेटा, बैलेंस शीट हमेशा हम साल के एंड में बनाते हैं, यानी सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, वेरी गुड, और बैलेंस शीट अगर क्लोजिंग है इसका मतलब ये जो कैपिटल्स दे रखी हैं ये कैपिटल्स भी क्या होंगी, मीनिंग समझें क्यों पेपर में आता है, ये कैपिटल भी क्या होंगी, क्लोजिंग होंगी, वेरी गुड, और ये बताओ इंटरेस्ट जो हम देते हैं बेटा, इंटरेस्ट किस पर देते हैं, क्लोजिंग पर देते हैं या ओपनिंग पर, सर इंटरेस्ट देते हैं ओपनिंग पर, इसका मतलब सर आपको वो पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी, क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं, ये बात आपको याद आनी चाहिए बेटा, क्या आपको पता है क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताइए,
चलिए, बातें आप सबको पता है क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकलते हैं। हम क्या करते हैं, हम ड्रॉइंग्स को प्लस करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं। ये भी बात समझ आ गई। अब और देखते हैं जरा इसके अंदर ऐसा क्या है। सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब जरा आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक है पार्टनर ए, दूसरा है पार्टनर बी। यहां पे लिखते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी थी। क्लोजिंग कैपिटल 90,000 और 70,000। आपको पता है ड्रॉइंग्स को हम क्या कर देते हैं, प्लस। ड्रॉइंग्स को प्लस और प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस। और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, ओपनिंग कैपिटल। अब सर बस सारी दिक्कतें यही हैं कि सर क्या ड्रॉइंग्स प्रॉफिट कितना कितना, और इस ओपनिंग कैपिटल पे आप क्या निकालेंगे, आईओसी। आईओसी का रेट दिया हुआ था 10% पर एन। अब नीचे बनाते हैं वर्किंग नोट, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है बेटा, ये कैपिटल अकाउंट है। ये क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है। ड्रॉइंग को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस। आइए जरा ध्यान से लॉजिक पर ध्यान देना बेटा, रटना नहीं। यहां बताओ नीचे दिया है द प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 30,000। 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट में से मेरी बैलेंस शीट पे नजर गई तो बैलेंस शीट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। यानी इस 30,000 में से 10,000 मुझे दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर। ये रहा बेटा 10,000, मुझे बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, 20,000 रुपए कहाँ गया, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा। प्रॉफिट तो 30,000 है, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है सिर्फ 10,000, तो 20,000 कहाँ गया बेटा, सोचो। आप बताओ 20,000 रुपए कहाँ चला गया होगा, दिख नहीं रहा। इसका मतलब सर 20,000 रुपए पता है कहाँ चला गया होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में जा चुका होगा, दिख नहीं रहा। इसका मतलब पक्का प्रॉफिट कहाँ चला गया, कैपिटल में। और कैपिटल की जरा उसके अंदर प्रॉफिट की रेशियो बताओ, 4:1। इसका मतलब ए को मिला होगा 16,000, 4:1 में बांट दिया, इसको मिला होगा 4,000। गलती क्या करते हैं बच्चे, बेटा 10,000 तो बैलेंस शीट में दिख रहा है तो कैपिटल में कितना गया, कैपिटल में गया 16,000 ए में और 4,000 बी में। तो जितना प्रॉफिट कैपिटल में गया है मैं उतना ही प्रॉफिट तो एडजस्ट करूंगा बेटा, 16,000 में यहां से हटाऊंगा, 4,000 में यहां से हटाऊंगा, मैं 20,000 हटाऊंगा, पूरा 30 नहीं, क्योंकि 10 तो बैलेंस शीट में है दिख रहा है, कैपिटल में कितना गया 20,000, तो सिर्फ उतना हटाऊंगा। एक बार और कोशिश करते हैं, आप बच्चों को मेरी बात समझ आ जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्रॉइंग्स हैं 15,000 बेटा, ए की ड्रॉइंग है 15,000। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, ए की ड्रॉइंग 15,000 है, ढूंढना जरा बैलेंस शीट में ड्रॉइंग कहाँ है बेटा, ढूंढो। क्या बैलेंस शीट के अंदर आपको ए की ड्रॉइंग दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये ड्रॉइंग कहाँ चली गई होंगी बेटा, आप सोचो, अपने दिल से पूछो। बैलेंस शीट में आ नहीं रही, इसका मतलब ये कहाँ चली गई होंगी। वेरी गुड बेटा, ये कहाँ चली गई होंगी, कैपिटल के अंदर। ये ए की ड्रॉइंग ए की कैपिटल में जा चुकी है, इसका मतलब मैं ए की ड्रॉइंग कैपिटल से ऐड कर दूंगा, मैं सिर्फ ए की ड्रॉइंग लिखूंगा। अब बात आती है बी की।
जो चीज कैपिटल में जाएगी मैं सिर्फ उसको ध्यान दूंगा। अब आप मेरी बात सुनो, बी की ड्राइंग ये लिखी, कितनी ड्राइंग है? 10,000। मगर सर ये ड्राइंग तो बैलेंस शीट के अंदर साफ दिखाई दे रही है, क्या ये ड्राइंग कैपिटल में गई होगी? सोच के बताओ, अगर अलग से दिखाई दे रही है तो क्या ये ड्राइंग कैपिटल में गई होगी? नहीं, तभी तो दिखाई दे रही है, यानी बैलेंस शीट में जो चीज दिखाई दे रही है वो कैपिटल में नहीं गई। और अगर सर ये कैपिटल में, बेटा ये बी की ड्राइंग अगर कैपिटल में गई नहीं, अगर गई नहीं तो हटाने से फायदा भी क्या है? बेटा जब चीज ही नहीं गई तो मैं कैपिटल में एडजस्ट करने का फायदा ही नहीं है। कैपिटल में वो चीज एडजस्ट करते हैं जो कैपिटल अकाउंट में आती हैं, जब आई नहीं तो एडजस्ट करने का फायदा नहीं है। और मुझे ये बताओ, अब ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? ओपनिंग कैपिटल आएगा 89,000 और यहाँ पे आएगा 66,000, और उस पर निकालोगे आप आईओसी 10%। 89,000 का आईओसी ये हो गया, 66,000 का आईओसी ये हो गया। अब चेक करें गलती क्या है। आईओसी वॉज नॉट प्रोवाइडेड, बेटा डीड में लिखा था फिर भी आईओसी नहीं दी। इसका मतलब आईओसी देनी चाहिए थी, करेक्ट पोजीशन देनी चाहिए थी, बट आपने आईओसी नहीं दी। अगर मैं यहीं पे कर दूं, आईओसी देने का मतलब है आईओसी आपको क्रेडिट करनी चाहिए थी, टोटल आईओसी देना चाहिए था बट आपने नहीं दिया। 8 और 8 और 6 कितना होता है? 14,000, 15,500। बेटा ये मैं मान लूंगा प्रॉफिट, मैं रेक्टिफिकेशन पे आ रहा हूं। आईओसी देना चाहिए था, आपने नहीं दिया इसलिए मैंने दे दिया। 15,500 क्या आ गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की रेशियो पता है कितनी थी? प्रॉफिट की रेशियो थी 4:1। अगर ये क्रेडिट है तो आप क्या करेंगे? डेबिट। 15,500 को जरा 4:1 में बांटें, 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है 5 3 31 100, 12,400। यहाँ पे सर डेबिट साइड ज्यादा है, 100 रुपये 3,500 से ज्यादा है। यहाँ देखें, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 3,500 से। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500 टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,500 बीइंग एरर रेक्टिफाइड। बेटा मुझे जो दिक्कत आती है, आप सब बच्चों को दिक्कत ये समझने में आएगी कि सर ड्राइंग्स क्यों नहीं ली। मैं पहले आप सब बच्चों को अनम्यूट करता हूं आपके डाउट्स के लिए। पास एडजस्टमेंट्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, लॉन्ग कट और शॉर्ट कट। हमारा बस एक लास्ट टॉपिक रह गया और वो तो छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है गारंटी, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। छोटा सा टॉपिक है और अब हमारी जो क्लासेस लगेंगी वो हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप बच्चों को इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए। ये चैप्टर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आज दोबारा से बता रहा हूँ, बोर्ड में 13 मार्क्स का आएगा। और हमने इसलिए इतना टाइम लगाया है कि अब आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट करो और इन क्वेश्चंस को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बेटा छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग एंड है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।